और क्लास में देख के मैं कई बार कहती हूँ पेरेंट्स को ही, आज मैं आप सभी पेरेंट्स को संबोधित करके एक बात कहना चाहती हूँ, भारत में लड़कियों का पॉपुलेशन 50% है, लेकिन मेरे क्लास में क्या, भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आगे 2-3 मैक्सिमम 4 या 5 रो में लड़कियां सिमट कर रह जाती है, पूरा क्लास भरा रहता है लड़कों से। ऐसा क्यों है? क्लास में लड़कियां 10 या 20%, बहुत मैक्सिमम होगी तो 20%, उससे ज्यादा लड़कियां क्लास में नहीं दिखती। आपको लगता है कि क्या आपकी इज्जत का ठेका लड़कियों ने ले रखा है? लड़कियों को अगर आप भेज देंगे और अगर वो अपनी मर्जी से कुछ कर ले, मेरा तो लड़कियों को यही कहना है, यही समझाना बेटा, सबसे पहले बहुत अच्छी नौकरी लीजिए और उसके बाद जीवन साथी के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आपके पास नौकरी नहीं होगा, आप फाइनेंशियली किसी पर आरक्षित होंगे ना, तो हो सकता है वो लात मार के कब आपको छोड़ दे, कुछ पता नहीं। इसलिए सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए, उसके बाद आपको किसी को बदतमीजी या नौटंकी बर्दाश्त करने की किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं पेरेंट्स से भी यही कहूंगी कि आप इस आशंका से कि बाय चांस मेरी बेटी कहीं कुछ ना कर ले तो मेरा नाक कट जाएगा, तो आपका नाक क्या इतना कमजोर है कि बात बात पे कटता रहता है? प्लीज अपने बेटियों को मौका दीजिए। आज मेरा मन बहुत उदास था, क्योंकि मेरा मन था कि मैं उसको फ्री में भी ऑफलाइन अलाउ कर दूं। मैंने ऑनलाइन तो उसको फ्री दे दिया, ऑनलाइन तो मैं बहुतों को फ्री प्रोवाइड कर दे रही हूँ, लेकिन ऑफलाइन उसको फ्री देने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके घर वाले उसको यहाँ रहने दे देते, क्योंकि उसका भैया भी जो मिस्त्री का काम करता है वो भी दिल्ली में नहीं, सोनीपत में। तो अफसोस होता है अपने देश की लड़कियों के पेरेंट्स के सोच को देखकर कि नहीं, लड़की अगर कुछ कर लेगी तो मेरा नाक कट जाएगा। बेटा चाहे जगह जगह मुंह मारता फिरे, उनका नाक नहीं कटता, उनका नाक सिर्फ बेटियों पर ही डिपेंडेंट है। आई एम टोटली एस्टोनिश्ड, बहुत खराब लगता है सोच के कि लड़कियों के लिए माता पिता के पास सिर्फ एक ही एक्सक्यूज रहता है, नहीं ऑनलाइन पढ़ लो। मेरा एक ही चीज कहना है, भाई आप बेटों को भी तो ऑनलाइन पढ़ाओ, बेटों को पढ़ने भेज सकते हैं लेकिन बेटियों को नहीं। यही बात ठीक है, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आप गांव से है, आपके पास खाने के भी बहुत मुश्किल से जुगाड़ हो रहा है, तो ठीक है बेटा बेटी दोनों को आप ऑनलाइन पढ़ाइए। लेकिन ये मुझे बहुत खराब लगता है जब लड़का तो आ रहा है ऑफलाइन और वो अपने बहन के लिए ऑनलाइन पूछता है, उस समय अंदर से गुस्सा आता है। लेकिन फिर क्या है, हम क्या कर सकते हैं, उनका परिवार नहीं कुछ बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि इंडिया में किसी फैमिली में भी आप इंटरफेयर करोगे तो कहेंगे वो टांग मत अड़ाओ, है ना, यहाँ बहुत अच्छी कहावत है, टांग मत अड़ाइए।